सर ने यहाँ पर उनके सक्सेस के मंत्र यहाँ पर हमें यहाँ पर शेयर किए, क्योंकि उन्होंने पिछले 18 साल से जो उन्होंने सीखा है, जो उनके सक्सेस का राज है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो उनके जो सक्सेस मंत्र है, उन्होंने उनके चार पहलू बताए। सबसे पहला कौन सा था? रेडी टू लर्न, यानी कि हमेशा सीखने की हमें क्षमता होनी चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने हमें बताया कि हमें हमारा जो काम है ये पूरी तरीके से फोकस के साथ, कमिटमेंट के साथ करना काफी जरूरी है। और तीसरा उन्होंने हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई कि हमें अपने आप के ऊपर, कंपनी के ऊपर हमें विश्वास रखना काफी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने बताया, सक्सेस अगर होना है, अगर 8-19-250 अगर लेना है, उनके जैसे बड़े लेवल पे पहुंचना है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम ही वो तरीका है कि जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। देखो, सब लोग यहां पे करियर करने के लिए आए हैं, तो ऐसी है और एक कहानी देखते हैं। लोग करियर करते हैं, करियर करने के लिए मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नॉर्मली लोग करियर करते हैं मतलब क्या करते हैं? करियर करते हैं मतलब बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं, पहले अगर उनकी करियर की शुरुआत अगर होती है तो ग्रेजुएशन करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, और सभी माता पिता को लगता है कि अपना बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बन गया मतलब क्या? इसका सेट हो गया, नौकरी भी मिल जाएगी और छोकरी भी मिल जाएगी, यानी ये सेट हो गया। देखो, नॉर्मली अपने समाज में ये ट्रेंड है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो मैं एक ऐसे इंजीनियर से मिलाना चाहता हूँ। देखो, दहितुले साहब भी इंजीनियर है, एक इंजीनियर को मैंने तो मिलाया, लेकिन एक ऐसे लड़के को मिलाना चाहता हूँ जो इंजीनियर हुआ, और इंजीनियरिंग होने के बाद जैसे आम माँ बाप की इच्छा रहती है कि इसने भी जॉब करना चाहिए, एक खुद का कुछ तो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, ये सब छोड़ छाड़ के इसने नेटसर्फ ज्वाइन कर दिया। ऑलरेडी एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, यानी कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी जबरदस्त है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेटस बहुत अच्छा है, फिर भी नेटसर्फ के साथ जुड़ गए। देखो, एक ऐसा बंदा जिसका घर का बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, घर में फैक्ट्री रेडी है, इंजीनियर होने के बाद बेटा मेरा फैक्ट्री संभालेगा, घर के बिजनेस में जाएगा, उस बिजनेस को बड़ा करेगा, यही सोच के उसको इंजीनियर बनाया, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद वो ये करने के बजाय वो आया नेटसर्फ में। नेटसर्फ में आया, खुद का करियर बनाया, नेटसर्फ में आया, खुद का करियर बनाया, और खास करके उसने खुद का नाम बनाया। और उन्होंने अपना नाम बनाया और ये काफी कम समय में किया। और ऐसे ही हमारे कोल्हापुर रीजन के एक डायनामिक यंगेस्ट ओसीएम, हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर किरण लाटकर सर, उनके लिए जोरदार तालियां। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने अभी कहा, मैं कोल्हापुर रीजन से बिलोंग करता हूँ। आज कोल्हापुर सिटी को आध्यात्मिक लेवल में महालक्ष्मी नाम से पहचाना जाता है। एक 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पूरे देश में आज कोल्हापुर में है, और वो कोल्हापुर में एक प्रतिष्ठित फैमिली में मेरा जन्म हुआ। फैमिली बैकग्राउंड जैसे कहा कि बहुत अच्छी, बचपन से ही मैंने बहुत अच्छा लाइफ जिया है। जब मैंने स्कूल में गया तो स्कूल में मैंने एक बात देखी, बचपन में स्कूल में मेरे फ्रेंड को शिक्षक लोग या टीचर लोग बुलाते थे तो उनके नाम से बुलाते थे, लेकिन मुझे बुलाते वक्त ऐसे बुलाया जाता था, ये खानदान से, ये इसका बेटा है, यह इसका पोता है, ऐसे नाम पे बुलाया जाता था। तो मुझे बचपन में ही मुझे मेरा नाम जो है वो मेरा खानदान का नाम लगा था। मैं खुद के नाम से कोई पहचानता ही नहीं था। मैं आगे जैसे गया, कॉलेज में गया, तो कॉलेज में होता कैसे है, कॉलेज में जब चार लोग फ्रेंड्स लोग आते हैं तो एक दूसरों की तो टिंगल तो उड़ाते ही है,
तो टिंगल ऐसी होती थी मेरी कि मेरी खानदान के नाम से होती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मेरा इतना खानदान का अच्छा नाम है, मुझे सब लोग मेरे खानदान से पहचानते हैं और मेरी पहचान ना होने की वजह से मेरे फ्रेंड आज मेरे खानदान की टिंगल उड़ा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे ठान लिया कि आज मुझे मेरा खुद का मेरी खुद की अलग पहचान, मेरी नाम की खुद की अलग पहचान बनानी है। मैं उस वक्त इंजीनियर भी बन गया। इंजीनियरिंग बनने के बाद एक एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं 2 महीने जॉब भी किया, लेकिन जब मैं जॉब करने गया था बाहर तब मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरी माँ बीमार गिर गई और बीमार होने के बाद उसको कैंसर डिक्टेट हुआ, तो उसको घर में ही रखा था देखने के लिए। मैं सबसे छोटा था तो मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं माँ के सेवा करने में लग गया। 1.5 साल मैंने माँ की सेवा की और उस वक्त ऐसा हो गया कि मेरी माँ गुजर गई। माँ जाने के बाद मैं पूरा डिप्रेशन में गया, मेरे दिमाग से वो करियर ये वो चला गया। लेकिन उस वक्त माँ जाने के बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलने के लिए आए, कुछ अच्छे जॉब पे चले गए थे, और वो उस वक्त जब वो मेरे सामने आए फिर मुझे वापस वो याद आया कि अरे आज वापस वो मेरे नाम से बुला रहे, मेरी आइडेंटिटी कहाँ है। फिर मैं मेरे आइडेंटिटी के साथ वापस खड़ा हो गया कि मुझे आइडेंटिटी बनानी है, और मेरा बड़ा भाई का बिजनेस, मेरे भाई ने बिजनेस चालू किया था, मैं उसके साथ जुड़ गया। जब मैं उसके साथ जुड़ गया इंडस्ट्री में काम करने लगा, वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसा हो गया कि लोग मुझे पहचानने लगे मेरे बड़े भाई के नाम से। फिर वापस ये हो गया कि अरे यार मेरा नाम कब बनेगा। फिर मैं एक ऐसी तलाश में था कि कहीं तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिसमें मेरी खुद की पहचान बने, और वो दिन मेरे लाइफ में आ गया। मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, पहचान वाले व्यक्ति ने, और मुझे कहा कि एक बिजनेस के बारे में, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। मैं बोला अच्छा चल रहा है, तो मुझे एक बिजनेस के बारे में तुम्हारे साथ बात करनी है, मुझे मिलना है। मैं तुरंत बोला हाँ, और उन्होंने आके मुझे वो बिजनेस समझाया, और वो बिजनेस था नेटसर्फ नेटवर्क का। और ये नेटवर्किंग था, लेकिन उस वक्त ये नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, उस तरीके से एक ही बात समझ में आ गई कि ये बिजनेस मुझे खुद को करना है, मुझे खुद को लोगों को जाके बनाना है, और इसमें मेरा कुछ तो बन सकता है, ऐसे मुझे पता चला। और वो शख्स मुझे बताने वाला था वो थे नेटसर्फ के दादा मिस्टर प्रमोद सुग्रे सर। तो उन्होंने मुझे ये नेटसर्फ पहचान करके दी और मैंने काम चालू किया। स्टार्टिंग में मैंने 3 साल पार्ट टाइम काम किया, लेकिन ये पार्ट टाइम में पहले साल में ही मुझ में एक चेंज आ गया। ये चेंज ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से भी आमदनी मिल रही थी और नेटसर्फ में पार्ट टाइम में भी मेरा इनकम चल रहा था, और पार्ट टाइम के इनकम में नेटसर्फ के माध्यम से मैंने पहली मेरी खुद की 4-व्हीलर ली। खुद की 4-व्हीलर लेने के बाद मेरी थोड़ी फैमिली में अलग से पहचान हो गई, अरे किरण ये क्या अलग कर रहा है कि जिसने खुद की 4-व्हीलर ली। 4-व्हीलर लेने के बाद मेरा बिजनेस, नेटवर्क का बिजनेस बढ़ने लगा, मैं दूर दूर जाने लगा, अलग अलग जगह पे पॉकेट लगने लगे, और मेरा पे आउट भी बढ़ने लगा। 3 साल चले गए, 3 साल के बाद मैंने देखा कि मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, कुछ लोग 1.5 करोड़ कमाए, कुछ लोगों ने 1 करोड़ कमाए, किसी ने 50 लाख कमाए, बहुत सारे पैसे कमा रहे, लेकिन मेरी थी उतनी इनकम नहीं हुई। फिर सिर्फ मैंने वापस जाके मेरे सीनियर को पूछा कि ये क्या है इनकम का डिफरेंस, तो उसने मुझे जो बात बताई उसमें मुझे एक ही बात समझ में आ गई कि नेटसर्फ में पैसा मिल सकता है, इसमें जितना जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और मुझे तो पैसों की ज़रूरत उतनी तो उस वक्त थी नहीं, क्योंकि मेरे घर में मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं फुल टाइम करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मेरा खुद की मेरी पहचान मार्केट में बनानी है। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया और मैंने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद उस वक्त और एक मौका मेरे सामने आया, एक क्लब नेटसर्फ आया था, वो क्लब नेटसर्फ था फार ईस्ट एशिया की, जो 3 देशों का दौरा था, घूमने के लिए जाना था, बड़ा टारगेट था, प्लानिंग किया, मालूम था, सीनियर का सपोर्ट लिया, कंपनी ने जो जो बताया था
वो सब इम्प्लीमेंट किया और वो इम्प्लीमेंट करके मैं खुद अकेला नहीं, मेरे साथ और चार लोगों को लेके मैं परदेश दौरे में घूमने के लिए चला गया। और उस वक्त मेरी और एक पहचान हो गई कोल्हापुर में कि ये किरण जो कुछ बिजनेस कर रहा है उसमें वो अकेला ही नहीं, जाते जाते चार लोगों को भी परदेश दौरे पे घूमने के लिए लेके गया। तो इसमें और मेरी मार्केट में क्या हो गया, मेरा नाम बनना चालू हुआ था। तब ऐसे करते करते जो नेटवर्क के जो सिस्टम्स आए वो सिस्टम्स मैंने सेट किए, वो सिस्टम्स मैंने अडॉप्ट किए, उस सिस्टम से मैं चला, जो सीनियर ने कहा वो रास्ते से मैं चलते गया, वैसे मेरा पे आउट सेट होते गया, पे आउट बढ़ते गया। और एक वक्त ऐसा गया कि वो पे आउट मेरा 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के ऊपर भी चला गया। और जब मेरा 2 लाख रुपए का पे आउट आया था, जब घर वालों ने देखा तो घर वाले भी ताज्जुब हो गए, अरे क्या कंपनी है, कितना पैसे दे रही है। तब मेरे घर में जो मुझे छोटा समझते थे तो थोड़ा घर में भी मुझे थोड़ी वैल्यू मिलने लगी कि यार यार तू कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन ये अच्छा चलेगा क्या आगे, ऐसा एक वापस वो डाउटफुल सवाल पूछते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि ये नेटसर्फ की जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट चलती गई, मैं खुद नेटसर्फ के माध्यम से करोड़पति भी बन गया, 1 करोड़ भी मेरा इनकम पूरा हो गया। जब मेरा इनकम पूरा हो गया, लेकिन मैंने जो लोगों को लाया था, मैंने जो लोगों को बोला था, इनका भी अच्छा चल रहा था, उनके भी अचीवमेंट्स हो रहे थे। ऐसे मेरे साल चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि नेटसर्फ का एक सपना रहता है, नेटसर्फ में सपना है कि 15 दिन का मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए, तो 8, 19, 250, वो भी मुझे इस सिस्टम से मिला। और ये सिस्टम में ये कैप अचीव करने वाला सेकंड जनरेशन का मैं नेटसर्फ का पहला डिस्ट्रीब्यूटर था। तो इसमें मुझे ये कैप भी लगी, और जब मुझे कैप लगी तो मैं, मेरा एक सपना था कि कोल्हापुर को एक और एक आइडेंटिटी है, कोल्हापुर की एक ऐसी आइडेंटिटी है, कोल्हापुर में जब भी कोई 4-व्हीलर लॉन्च होती है तो सबसे ज्यादा महंगी कार परचेस वाले ज्यादा लोग आज कोल्हापुर सिटी में है। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं ऐसी कोई कार परचेस करूं, और एक सपना वो मेरा पूरा हो गया। 2012 में फर्स्ट टाइम BMW ये कंपनी ने भारत में SUV लॉन्च की, और कोल्हापुर शहर में रह के वो परचेस करने वाला पहला इंसान मैं कोल्हापुर में रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरी कोल्हापुर में एक अलग पहचान बन गई, यस ये कुछ अलग कर रहा है। और उस वक्त से लोग मुझे मेरे नाम से बुलाना चालू किए, और ये करते करते सिर्फ इस करियर के माध्यम से मेरा खुद का ही नहीं हुआ, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े थे उनको भी मैंने सपोर्ट किया, और वो माध्यम से आज तक मैं टीम से, मेरे टीम से 5 लोग ऐसे कि जो करोड़पति हो चुके, 2 लोग ऐसे हैं मेरे माध्यम, मेरे टीम में कि जिनको ऑलरेडी सीलिंग लग चुका है, थर्ड जनरेशन बोलेंगे तो भी चलेगा उसको। उसके साथ साथ और एक सपना, मुझे कोई घर लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोल्हापुर में ऐसे लोकेशन में जहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल है उसके बाजू में ही बहुत बड़ा घर आज भी हमारा है, लेकिन मुझे, मेरा एक सपना था कि मैं एक ड्रीम हाउस बनाऊं। तो कोल्हापुर सिटी में आज प्राइम लोकेशन में ऐसा मेरा एक खुद का घर है, एक फ्लैट है, जिस फ्लैट में आज मैं नहाने जाता हूँ, सुबह नहाता हूँ तो मंत्र बजते हैं, और शाम को नहाता हूँ तो गाने भी बजते हैं बाथरूम में। ऐसा 1 करोड़ का फ्लैट इस नेटवर्क के माध्यम से मैंने लिया है, और आज मेरा पूरा फैमिली लाइफ सेट हो चुका है, और नेटवर्क के माध्यम से आज मैं 13 बार आउट ऑफ इंडिया जाके आया हूँ, अलग अलग 9 कंट्रीज मैंने नेटवर्क के माध्यम से मुझे आज देखने के लिए मिली है। इसकी वजह से आज कोल्हापुर में आज मेरी एक अलग पहचान बन गई है, और जिस बिजनेस को मैं कुछ पहचान नहीं था, आज कोल्हापुर में जितनी भी कंपनी आती है वो पहले पूछती है कि इसका नेटवर्क कहाँ पे चल रहा है। देखो आज इस इंडस्ट्री में भी अलग पहचान मेरी बन गई। आज ये ऐसा सब प्लेटफॉर्म जैसे मुझे मिला है, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे ये सभी लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म आपको भी मिला है। आज मुझे यहाँ तक आने के लिए नेटसर्फ में 16-17 साल लगे, लेकिन आज यहाँ पे बैठे हुए लोगों को इतने साल लगने वाले नहीं है,
क्योंकि आज आपके लिए फास्ट ट्रैक नाम का जो सिस्टम आया है, फास्ट ट्रैक नाम का एक जिसको परिस बोलूंगा मैं, जो आया है, आप उसको छू लोगे तो आपका करियर ये हमारे लेवल पे आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 साल आपके लिए काफी है। यही कहते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू लटकर साहब, थैंक यू।